शहर ही नहीं बल्कि पूरे विदर्भ का प्रसिद्ध रोकड़े ज्वेलर्स हमेशा ही अपने ग्राहकों के विश्वास को, उनके पसंद को ख्याल में रखते हुए विविध योजनाओं को ग्राहकों के लिए लेकर आते हैं। उसी श्रृंखला में रोकड़े ज्वेलर्स अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है हैप्पी कस्टमर सीजन 3, जिसमें कुछ हैप्पी कस्टमर्स ने VCN न्यूज समक्ष अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आप सभी का वेलकम करता हूँ VCN न्यूज चैनल। आज मैं आपको बता दूं, मैं रोकड़े ज्वेलर्स में आ चुका हूँ, जहाँ बहुत सारे हैप्पी कस्टमर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि रोकड़े से जो भी शॉपिंग करता है वो हमेशा ही खुश रहता है। लेकिन आपका हैप्पी कस्टमर में सिलेक्शन हुआ है। हैप्पी कस्टमर में बता दूं कि वो चीज है जहाँ नागपुर में होर्डिंग्स लगती है, तो कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं अपने आप को होर्डिंग्स में देखूंगी, मुझे बहुत पसंद आएगा। रोकड़े ज्वेलर्स जो खुद में एक बहुत बड़ा नाम है, यहाँ पे हमारी 3 पीढ़ियों का विश्वास है, वही विश्वास हम लेके चल रहे हैं और वही विश्वास रोकड़े ज्वेलर्स ने कायम किया है। धन्यवाद। आप कितने साल से जुड़े हुए रोकड़े ज्वेलर्स से? जैसे 3 पीढ़ी आपने मेरे को अभी हमने सुन लिया, लेकिन फिर भी कितने साल हो चुके हैं सर? आप कितने सालों से जुड़े हुए रोकड़े ज्वेलर्स से? मेरे ख्याल से करीब पिछले 10 सालों से। हर बार एक विचार आता है ना शुद्धता का, जब भी हम सोना लेने जाते, गोल्ड लेने जाते, डायमंड लेने जाते, प्लेटिनम, कुछ भी लेने जाए तो एक भरोसा होना चाहिए, तो रोकड़े ज्वेलर्स ही क्यों? रोकड़े एक बहुत पुराना नाम है और जितना मैं समझता हूँ कि ओल्ड वाइन इज़ ऑलवेज प्रीशियस, सो एंड ट्रस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है। सो जब हम शुरू में इंटरेक्ट करते थे तो शुरू में छोटी शुरुआत की, और जैसे जैसे हम बढ़ते हैं करियर में, प्रोफेशन में आगे, वैसे ही ज्वेलरी और दूसरी चीज़ों का शौक बढ़ता है, तो ये दोनों चीज़ें मिल के हमने रोकड़े के साथ में एक साथ बढ़े हैं। रोकड़े ज्वेलर्स का विश्वास, आइए बात करते हैं। सर पहले बताइए कि कितने साल से आप जुड़े हुए हैं रोकड़े ज्वेलर्स से? करीब बहुत ज़्यादा साल से नहीं, पर 5 साल से जुड़े हुए हैं। बहुत खुशी हो रही है, लाइक इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू। लाइक जैसा होता है ना कि मॉडलिंग में जो होते हैं उनके पोस्टर्स लगते हैं, बट नाउ वी आर अ हैप्पी कस्टमर्स और हमारे होल्डिंग लग रहे हैं, तो हम लोग और ज़्यादा हैप्पी हो गए। हम सब घर के सब लोग जुड़े हैं, हमारे बच्चे सब यहीं से लेते हैं। और क्या कहना चाहोगे कि आप हैप्पी कस्टमर के लिए जुड़ गए, होल्डिंग्स लगने वाली है, कैसा लग रहा है? Amazing, 100% अच्छा लग रहा है। कितना विश्वास करते हैं रोकड़े ज्वेलर्स पे आप? अब 100 के ऊपर कोई मार्क नहीं है। बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए, क्योंकि ये मेरी सेकंड होर्डिंग है। इसके पहले मेरे होर्डिंग्स इतनी लगी कि यानी जो भी फ्रेंड्स देखते थे, जो भी देखते थे, रिलेटिव्स देखते थे, वो बोलते थे कि बाप रे वाह, यानी मॉडर्न वाली फीलिंग आती है, हमको तो ऐसा चांस मिलता ही नहीं है। वाह, आप कितने लकी हो कि आपकी होर्डिंग्स ली। इसलिए मैंने बोला कि आप जो बाय करते हो, गोल्ड ज्वेलरी बाय करते हो, एक्चुअली रोकड़े ज्वेलर से ही बाय करें। सबसे पहले बताइए कि आप रोकड़े ज्वेलर से कितने साल से जुड़े हुए हैं? हम यहाँ पे शायद 15 साल या फिर उससे ज्यादा जुड़े हुए हैं। 15 साल, मतलब मैं ये आपकी बेटी है, मतलब आने वाले 15 साल या 20 साल जब इनकी शादी होगी तब भी आप मेरे को रोकड़े ज्वेलर्स नहीं है। For sure. क्योंकि यहाँ जो वैरायटी मिलती है हमें कहीं देखी नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एड शूट करने के लिए, और बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत होमली फील हुआ रोकड़े ज्वेलर्स में आके। एंड द फाइनली किंग इज हियर। मैं ये कह सकता हूँ रोकड़े ज्वेलर्स लोग विश्वास करते हैं, प्यार करते हैं, तभी तो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक नए तरीके से, क्योंकि हम जब भी बाहर निकलते हैं तो रोकड़े की होर्डिंग्स दिखते हैं और उसमें हंसते हुए चेहरे दिखते हैं, ये कंसेप्ट कैसे आया और इतना धमाल, बाप रे? देखिए, जब हम लोग ने ये हैप्पी कस्टमर सीजन 1 चलाया तब मुझे भी नहीं लगा था कि इतने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। तब हमारे पास एक्चुअल हमारी ज़रूरत थी, हमारे पास शूट नहीं था, इस वजह से हम लोग ने हमारे ग्राहकों को ही एज अ ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, और किसी भी प्रोडक्ट के लिए अगर वो प्रोडक्ट हमारे कस्टमर उसे यूज़ करते, अगर वही उस प्रोडक्ट के अगर ब्रांड एम्बेसडर बन जाते तो शायद इससे बड़ा कुछ नहीं, क्योंकि बड़े बड़े हीरोज़, बड़े बड़े हीरोइंस अगर आके उस चीज़ का प्रोडक्ट का अगर आपको जानकारी देते हैं और वो चीज़ वो खुद यूज़ नहीं करते तो कहीं ना कहीं वो बेमानी होगी, मैं ये कह सकता हूँ। और ये हमारे जो कस्टमर है, ये हमारे लॉयल कस्टमर है जो इतने पीढ़ियों से हमारे यहाँ आते हैं। सर आशीर्वाद तो हमेशा मिलते रहेगा कस्टमर्स का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब घर में कहीं भी शादी होती है तो सबसे पहला एक ही नाम निकलता है, रोकड़े ज्वेलर्स, क्योंकि भरोसा है। और जब भी कोई फंक्शन होता है तो एक नाम निकलता है, रोकड़े ज्वेलर्स। कोई किसी ने जन्म लिया या बच्चा पैदा होता है, उसे कुछ गिफ्ट करना है तो एक नाम निकलता है, रोकड़े ज्वेलर्स। सर इतना नाम कमा लिया कि एक ब्रांड और एक परिवार बनाना दो अलग अलग चीज है, यह ब्रांड भी है और यह परिवार भी है।
बिल्कुल सही कहा आपने, शायद इसीलिए शादी का गहना मतलब रोकड़े कहा जाता है। मैं वो बताना चाहूँगा सभी दर्शकों की, देखिए मोस्टली चार ही इन्वेस्टमेंट होते हैं दुनिया में। एक तो होता है आप बैंक में पैसा रख सकते हो, वहाँ बैच के माध्यम से आपको इन्वेस्टमेंट आ सकता है। दूसरा होता है शेयर मार्केट में, तीसरा होता है जमीन में, और चौथा होता है सोना और चांदी। यूक्रेन युद्ध में तीनों फेल पड़ गए थे और सिर्फ सोना जिनके पास था वही वो सोना लेके वो बाहर देश में जाके अपनी उपजीविका उन्होंने बिताई है। इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा तो भी, आप ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन सब जगह आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सोने पर भी आपने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऐसा मैं आपसे सबसे अपील करता हूं। रोकड़े ज्वेलर्स हैप्पी कस्टमर सीजन 3। मैं आपको बता दूं कि जितने कस्टमर से बात किया उन सारे कस्टमर की आंखों में एक चीज साफ साफ दिखाई दे रही थी, वो था भरोसा, प्यार, विश्वास। वही विश्वास जो एक पिता अपने बच्चों पर करता है, एक पत्नी एक पति पर करती है, और उसी विश्वास पर टिका है ये रोकड़े ज्वेलर्स, जहां पूरा हिंदुस्तान रोकड़े ज्वेलर्स पर भरोसा करता है। ये थे सारे हैप्पी कस्टमर्स और आप जुड़े रहिए इन विशेष न्यूज के साथ। मैं मान